वेलकम टू पार्ट 21। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ अभी तक पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए या आपको कुछ लगता है कि आप कुछ बदलाव चाहते हैं हमारी वीडियोज़ में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तो चलिए सीखते हैं आज एक नई नई कंसेप्ट है बहुत बेसिकली। तो जैसे कि अब तक आपने देखा हो कि हम डेटा पास करते हैं अपने कंट्रोलर से व्यू के ऊपर, ठीक है, कि डेटा हमारे डेटाबेस से आता है, आप उसको कंट्रोलर के अंदर प्रोसेस करते हो और कंट्रोलर से व्यू के ऊपर भेज देते हो। कैसे? अपने व्यू बैक का यूज़ कर सकते हो, व्यू डेटा का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो कितने ही सारे तरीके से मैंने आपको पहले बताए थे, उन सभी तरीकों का आप यूज़ करते हुए डेटा को अपने कंट्रोलर से व्यू के ऊपर भेज सकते हो। बट आज अगर हम देखते हैं कि सपोज़ मुझे कोई एक नया फॉर्म बनाना है, ठीक है, मुझे डेटा अपने व्यू से कंट्रोलर के ऊपर भेजना है, तो उसको हम सब कैसे करते हैं, आज हमें वो सब सीखना है। कितने तरीके उसके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू पास डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। हमें ज़रूरत क्यों होती है डेटा को व्यू से कंट्रोलर के पास में भेजने के लिए? सपोज़ आपको एक नया यूज़र, आपको अब चाहते हो कि आप नया साइनअप करना है, ठीक है, तो साइनअप करने के लिए आपको सारे इनपुट्स यूजर से लेने पड़ेंगे। और जब आप इनपुट्स यूजर से लोगे तो आप उन डेटा का क्या करोगे जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है, उसको आप डेटाबेस में सेव करोगे। डेटाबेस में सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा वैल्यू अपने कंट्रोलर लेवल के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो जो भी डेटा यूज़र ने अपने फॉर्म के अंदर फिल किया हुआ है, जो उसको ब्राउज़र में दिख रहा है व्यू के ऊपर, वहाँ से सारा डेटा आपको ब्राउज़र के जो आपको कंट्रोलर के ऊपर चाहिए, ठीक है। और वहाँ से कंट्रोलर से आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, जो भी आपका कनेक्शन है उसको बनाओगे, उसको ओपन करोगे और डेटा वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने अपना डेटा को व्यू से कंट्रोलर के पास में हम कैसे भेज सकते हैं। और हम सीखने वाले कि आज मैं जो फॉर्म बनाऊँगा अपने व्यू के ऊपर, उसको आप सबमिट कैसे कर सकते हो। तो सबमिट करने के बाद में कैसे वो हमारे व्यू से कंट्रोलर के ऊपर डेटा चला जाएगा, वो भी सीखना है। और सबसे मेन जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि कितने तरीके से हम डेटा को अपने व्यू से कंट्रोलर के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को कंट्रोलर से व्यू से कंट्रोलर के पास में भेजने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, सारे ही तरीके हमें वन बाय वन आज कवर करने हैं, अच्छे से सीखने हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें। तो शेयर करने से ही जो और बंदे सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनकी हेल्प बहुत होगी। और लाइक कीजिए। तो देखिए, डेटा को अगर हमें व्यू से कंट्रोलर के पास में भेजना है तो उसके ये तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है पैरामीटर्स का यूज़ करके। तो वन बाई वन इनको पहले वो सीखते ही हैं कैसे होते हैं, थ्योरी पार्ट में आज फोकस कम करते हैं। तो अपना विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये अपना मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया है और एक नई ब्लैंक एप्लीकेशन बना लेते हैं हर बार की तरह। फाइल देन न्यू, यहाँ पर आपको वेब पर क्लिक करना है, उसके बाद में ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर वेब एप्लीकेशन फोर, आप नेम अपना कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। तो एम्प्टी एप्लीकेशन ही बनाएंगे हम, और MVC का रेफरेंस उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, और प्रेस ओके। तो हमारी नई एप्लीकेशन बनके बिल्कुल तैयार है, ब्लैंक एप्लीकेशन है। तो इसमें एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल ऐड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है कंट्रोलर फोल्डर के ऊपर, वहाँ पे ऐड और देन कंट्रोलर, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक नया MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होम, एक नया व्यू ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो राइट क्लिक इसके ऊपर, ऐड व्यू, इंडेक्स, लेआउट हटा देते हैं और ऐड। तो जैसे कि हम हर बार अब तक बनाते आते हैं छोटी छोटी एप्लीकेशन, एक वही मैंने बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन बनाई है, उसमें एक सेम कंट्रोलर होम, एक डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल मेथड होता है इंडेक्स, और उसके लिए मैंने एक व्यू ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब तक सिर्फ इतना ही किया है। अब हमें सबसे पहले तरीका कौन सा देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। तो यूजिंग पैरामीटर्स हमें देखना है कि हम पैरामीटर्स का यूज़ करके अपने डेटा को व्यू से कंट्रोलर के ऊपर कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिगिन फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो HTML.beginForm, और बिगिन फॉर्म में हम देखो क्या क्या पास कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा एक्शन का नेम, दूसरा होता है कंट्रोलर का नेम। तो यानी कि जब आप अपने डेटा को सबमिट करोगे, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद में वो रिक्वेस्ट कैसी बन जाएगी, पोस्ट टाइप की। तो पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट आप जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर पहले आपको डालना है अपने एक्शन मेथड का नेम, और यहाँ पर डालना है आपको अपने कंट्रोलर का नेम,
ठीक है, तो वो मैं अभी डाल देता हूँ, बट उससे पहले एक बार डिज़ाइन थोड़ा सा उसको बना लेते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हमें, मैं अभी केवल दो पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सिंपल बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म बनाया है, ब्लैंक फॉर्म के अंदर मैं दो पैरामीटर यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप टैक्स, और मैं नेम यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये है हमारा नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इसको बना देते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, सेम ऐसा ही एक और टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट करने से क्या होता है, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ, लास्ट नेम। तो ध्यान रखना है, अगर आपको ये जो दो तीन तरीके हैं, जैसे कि फॉर्म वाला हुआ, पैरामीटर्स वाला हुआ और रिक्वेस्ट वाला हुआ, इन सभी के लिए आपको नेम बहुत ज़रूरी होता है लिखना। तो जो भी आप अपने इनपुट टाइप फील्ड्स बना रहे हो, जिसकी आप वैल्यू चाहते हो कि हमारी व्यू से कंट्रोल के ऊपर चले जाए, उनके लिए आपको नेम जरूर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नेम डिफाइन नहीं करोगे तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये दो मैंने लिए हैं, इसके अलावा एक बटन ले लेता हूँ मैं, सबमिट बटन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और सबमिट बटन करने के बाद में इसका जो वैल्यू है हम लिख देते हैं क्लिक मी। तो एक बार इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको कि अभी कैसा बना हुआ है। ये बेसिकली दो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बने होंगे और एक बटन यहाँ पे बना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा इसके अंदर एंटर करूँ और मेरा वो सबमिट होकर चला जाए कंट्रोलर के ऊपर, तो कौन से मेथड के ऊपर चला जाए। ठीक है, एक मेथड यहाँ पे और बना लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे मेथड कौन सा टाइप होता है, गेट। तो इससे एक पहली वीडियो मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था, अगर आपको एचटीटी वर्ब्स के बारे में अभी कन्फ्यूज़न है कि ये एचटीटी गेट क्या होता है, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, बिकॉज नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डेटा अपने व्यू से कंट्रोल के ऊपर भेजना है, तो आपको वर्ब्स की समझ होनी चाहिए कि कब आपको गेट बनाना है, कब आपको पोस्ट बनाना है, इन सबको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले सब चीज़ों को पहले ही कवर किया था। ठीक है, तो एक नया मेथड और बना लेते हैं यहाँ पे, पोस्ट यूजिंग पैरामीटर्स। ठीक है, और ये कौन सा टाइप होगा हमारा, पोस्ट टाइप। ठीक है, HTTP पोस्ट। और इसके बाद में यहाँ पे हमें अपने पैरामीटर्स पास करने हैं। पैरामीटर्स कौन से पास करने हैं, जो भी आप यहाँ पे नेम डालोगे, जिस जिस की वैल्यू आप चाहते हो हमारे व्यू से कंट्रोलर के ऊपर चली जाए, वो वहाँ पे आपको लिखने हैं। तो जैसे मेरा पहला है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं डालूँगा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। दूसरा क्या है मेरा, लास्ट नेम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने नेम अपने व्यू के ऊपर यूज़ किया हुआ है, सेम वही आपको अपने कंट्रोलर के ऊपर यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा करना होता है। और उसको रिटर्न करने के लिए मैं अभी स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करके डायरेक्ट ही मैं ये नेम रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम पैरामीटर्स तो पहला क्या है हमारा, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम। ठीक है, तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं। तो होगा क्या, जब मैंने इंडेक्स से पहले मेरा फॉर्म रेंडर होगा, जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे जाके डेटा आ जाएगा, और जो कि सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यू रिटर्न नहीं किया है, एक केवल डायरेक्ट स्ट्रिंग रिटर्न किया है। ठीक है, तो जो ये हमने अपने एक्सेल मेथड का नेम लिखा है, ये हमें कहाँ पे पास करना है, यहाँ पे, क्योंकि पहला पैरामीटर क्या होता है, एक्सेल मेथड का नेम। दूसरा क्या होता है हमारा, कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम हमारा क्या है, होम। यहाँ पे आपको क्या पास करना है, होम। तो इतना करने से क्या होगा, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये रिक्वेस्ट एक पोस्ट टाइप बनेगी, और कहाँ पे जाके हिट करेगी, इस वाले मेथड पे। क्यों करेगी, क्योंकि हमने अपना जो बिगिन फॉर्म है वहाँ पे इसका नेम दे रखा है, अपने एक्सेल मेथड का। अगर आप नहीं चाहते हो बिगिन फॉर्म का यूज़ करना, तो आप सिंपल फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हो, और वहाँ पे जब आप डेटा को यूआरएल उसके अंदर देते हैं, तो वहाँ पे स्लैश अपना एक्स, अपना कंट्रोलर का नेम, और स्लैश एक्सेल मेथड का नेम आप वैसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं डेटा हमारे पास कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है, वो देखते हैं। चलो देखिए, पहला टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लास्ट लास्ट नेम के लिए, और फिर मैंने लिखा है बटन क्लिक मी। ठीक है, तो एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, और डेटा को एंटर करते हैं यहाँ पे।
मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा है, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए कहाँ पे आया है हमारा, कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मैंने लगा रखे हैं। फर्स्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, नीतीश, ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर क्या वैल्यू है ये। इसके बाद में जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम पे आप वैल्यू देख सकते हो क्या आई है, ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आ गई हमारी फ्रॉम पैरामीटर्स नीतीश कॉमा शर्मा। अब यू आर एल देखोगे तो मेरे कंट्रोलर का नेम, जो मेरा एक्सेल मेथड है, ये वो नेम है जो मैंने दे रखा है। ठीक है, तो ये होता है पहला तरीका। इसकी एडवांटेज क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक आप कर सकते हो यहाँ पे, तो वहाँ पे आपने नेम लिखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपने नेम नहीं लिखा हुआ है तो आपका डेटा पास नहीं हो पाएगा, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो। तो चलिए दूसरे तरीके पे फोकस करते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या था, यूजिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट का यूज़ करने के लिए मैं एक और यहाँ पे एक्सेल मेथड बना लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए, पोस्ट यूजिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जब आपको पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपको कहाँ से डेटा मिलेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये रिक्वेस्ट होता है, यहाँ पे आपको पास करना होता है कि आपको डेटा किसका चाहिए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और हमें दो वैल्यू वहाँ से फेच करनी है अपने व्यू से। तो पहला मुझे मिलेगा क्या, फर्स्ट नेम, दूसरा क्या मिलेगा मुझे, लास्ट नेम। देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे है। ये होता है रिक्वेस्ट पैरामीटर, जो HTTP रिक्वेस्ट हमारी होती है, जो जो हमारी क्लाइंट सर्वर के पास में आती है, एक्चुअली उसके बारे में सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसी का मैंने यूज़ करते हुए डेटा को निकाला है, और उसको डेटा को निकालने के लिए आपको यहाँ पे की पास करनी होती है। की कौन सी पास करनी होती है, जो भी आपने अपनी व्यू के ऊपर जो इनपुट फील्ड्स बना रखे हैं उनका जो नेम टैग होता है, उस नेम की जो वैल्यू है वो आपको, वो नेम आपको यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी पैरामीटर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके वेरिएबल का नेम है। ठीक है, ये मैंने अल्टीमेटली बस रिजल्ट यहाँ पे दिखाने के लिए इनका यूज़ किया है, ये वाला मेन होता है। तो ये आपको सेम वही होना चाहिए जो आपने अपने व्यू के ऊपर यूज़ किया हुआ है, तो आपका डेटा यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ तो मैं सिंपल इनको रिटर्न कर रहा हूँ केवल दिखाने के लिए, यहाँ डेटा आ रहा है, बट एक्चुअल में अगर आपको डेटा को सेव करना है तो आप यहाँ से अपने डेटाबेस की कॉल लगाएंगे, अपने जो अपनी अलग लेयर बना रखी है आप उसका यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी डेटाबेस का कनेक्शन बना सकते हो। वो सब हम डेटाबेस कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो बट अब मेन पर्पज़ है कि हमारे इस वीडियो का, कि हम अपने डेटा को व्यू से कंट्रोलर के ऊपर लेके आएँ। ठीक है, तो डेटा हमारा व्यू से कंट्रोलर के ऊपर आ रहा है, तो ये दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक टैग डाल देते हैं जिससे हमें पता रहेगा। तो ये है पास डेटा यूजिंग, पास डेटा यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्म तो हमारा सेम वही रहेगा, बस मुझे जो अपने एक्सेल मेथड का नेम चेंज करना है, तो एक्सेल मेथड का नेम मैंने चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम वही है, वही फॉर्म है, और एक्सेल मेथड का नेम, कंट्रोलर का नेम मेरा सेम वही है, इनपुट टाइप मैंने दो बना रखे हैं, एक मेरा सबमिट बटन है। ठीक है, तो जब मैं इस वाले फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो डेटा कहाँ जाएगा, पहले एक्शन मेथड पे। इस वाले पे क्लिक करूंगा तो डेटा कहाँ जाएगा, दूसरे एक्शन मेथड पे। दूसरे पे किस पे, पोस्ट यूजिंग रिक्वेस्ट, इस वाले एक्शन मेथड के ऊपर यहाँ पे डेटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। ठीक है, बस अपने एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। देखिए ये पहले वाला तरीका था, अब ये दूसरा है हमारा, यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और क्लिक, अब हमारा देखो कहाँ पे हिट हुआ है, दूसरे वाले एक्सेल मेथड पे। क्यों, क्योंकि हमने अपने फॉर्म के अंदर यही एक्सेल मेथड पास किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। और टाइप आपको ध्यान रखना है, पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में क्या है हमारा, नीतीश, लास्ट नेम में क्या है, कौशिक। जो भी मैं वहाँ से पास करूँगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बस इसको कंटिन्यू कर देते हैं, तो डेटा हमारा ये देखिए फ्रॉम रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट से हमारे पास ये आया हुआ है। आपको पहले वाला ट्राई करना है तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए कुछ भी और इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के लिए आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो, तो पहले वाले पे आ गया। कंटिन्यू करोगे तो पहले वाले का रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, तीसरा तरीका सीखते हैं क्या होता है करने का। तीसरा तरीका होता है हमारा यूजिंग फॉर्म कलेक्शन।
फॉर्म कलेक्शन का यूज़ करने के लिए भी ये कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं यूजिंग फॉर्म कलेक्शन। अगर आपको वीडियो को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, मेरी ईमेल आईडी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो आपको अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आपको दोबारा देखिए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बट फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो आसानी से, क्योंकि मेन पर्पज़ है कि आपको सिखाना है मुझे, ठीक है। फॉर्म कलेक्शन का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन का जो पैरामीटर है वो पास करना पड़ेगा, फॉर्म कलेक्शन और सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म का यूज़ करते हुए मुझे डेटा यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। बस अब मैंने रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है, केवल फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन कर देता हूँ। तो ये अब क्या होगा, डेटा मेरा इस पे हिट करेगा जब मैं फॉर्म कलेक्शन का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए एक और बना लेते हैं अपने व्यू के ऊपर ही, ठीक है। और ये मेरे कंट्रोल का नेम क्या, एक्सेल मेथड का नेम क्या है, वो मैं यहाँ पे अपने व्यू के ऊपर इसमें लिख देता हूँ, ठीक। इतना सा चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म कलेक्शन के अंदर पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। चलो रन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको भी, ठीक है। ये है मेरा थर्ड वाला, तो यहाँ पे मैं डेटा पास करता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और प्रेस करते हैं इस वाले बटन को। तो देखिए डेटा कहाँ से आया है, फॉर्म कलेक्शन से, फ्रॉम फॉर्म कलेक्शन, जो मेरा नेम था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो यहाँ पे मिल रहा है। आप यूआरएल भी देख सकते हो, कंट्रोलर का नेम, एक्सेल मेथड का नेम। ज़्यादा टेस्ट करने के लिए वह इसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और फिर से यहाँ पे क्लिक करके डेटा को देखते हैं। आ गया मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब अगर इसको थोड़ा सा और डीबग करोगे अच्छे से, तो देखोगे फॉर्म के अंदर हमारा क्या क्या आया हुआ है। फॉर्म के अंदर हमारी दो की आई हुई हैं, कौन कौन से आई है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आप इन की का डेटा अपने जो फॉर्म कलेक्शन है वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको काउंट डायरेक्ट बता देता है कितने कितने आया है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा वहाँ पे और इनपुट टाइप यूज़ कर रखे हैं तो उनका डेटा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आप जितना भी डेटा आपको चाहिए इससे निकाल सकते हो, लॉजिक उसके ऊपर लगा सकते हो अपने कंट्रोलर के ऊपर। डेटा इसमें सेव करना है, डेटा इसमें सेव कीजिए। अगर आपको रिटर्न करना है तो डायरेक्ट लॉजिक लगा के आप रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट तरीका जो है वो मैंने आपको पहले से समझा रखा है अच्छे से, ठीक है। वो होता है स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग, बट एक बार फिर से मैं आपको एक बार उसको समझा देता हूँ। तो स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मॉडल। तो मॉडल का यूज़ करने के लिए ऐड, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉई, ठीक है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी रख रहे हैं, वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। एक इसके लिए एक्सेल मेथड बना लेते हैं, सारे सारे यहाँ से डीबग कर हटा देता हूँ, ब्रेक पॉइंट्स। इसके बाद में ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पे उसको मॉडल का यूज़ करने के लिए उसका नेम स्पेस ऐड कर देते हैं, यूजिंग हमारी प्रोजेक्ट का नेम क्या है, डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर डॉट मॉडल्स। इतना करने से सारे मॉडल्स हमारे कंट्रोलर के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें करना है स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, ये एम्प्लॉई, और अब इसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और इसकी हमें ज़रूरत है कुछ भी नहीं है अब। तो डायरेक्ट अगर आपको रिटर्न करना है तो ई एम पी डॉट फर्स्ट नेम और ई एम पी डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इतना सा करना है बस आपको। और एक यहाँ पे अब हम जो हमारा व्यू है, व्यू के ऊपर इसको स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग बना लेते हैं। स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे हमें मॉडल कैसे यूज़ करते हैं, मॉडल और डेटा फ्रॉम डॉट एम्प्लॉई, ठीक है। और अब इसके बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ करते हुए हमें दो अपने बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ऐट द रेट एच टी एम एल डॉट फॉर फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे बी आर टैग,
सेम ऐसे ही बना लेते हैं एक लास्ट नेम के लिए, तो HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फोर लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे br, और जो हमारा ये सबमिट बटन है वो तो सेम यही है। अब यहाँ पे कंट्रोलर का नेम और चेंज करना है हमें, तो ये कंट्रोलर मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कंट्रोलर का नेम। ये क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं फ्रॉम बाइंडिंग, ठीक है। और क्या बचा है, इसको पोस्ट टाइप को और बनाना है हमें। तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म के अंदर फॉर्म मेथड भी पास कर सकते हो, कि जो आपका फॉर्म मेथड होगा वो गेट टाइप होगा या पोस्ट टाइप होगा, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो पोस्ट टाइप कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक गेट वाला बाद में दिखाता हूँ तरीका, तो अभी केवल पोस्ट वाले पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। गेट वाला देखेंगे करने से क्या होता है। तो चलो इतना सही चेंज हो गया, अब इसको चला के देखते हैं क्या बनता है। देखिए स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है मेरा फर्स्ट नेम और ये है मेरा लास्ट नेम। मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रॉम बाइंडिंग फर्स्ट और लास्ट, जो मैंने यहाँ पे पास किए हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो एम्प्लॉय के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों में क्या है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अगर आप देखोगे तो सबसे सेफ तरीका है, आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक का डर है ना कुछ भी है, डेटा आपको प्रॉपर आएगा आपके पास में। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ कर रखी हैं तो ना ही आपको इससे अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सारा डेटा एम्प्लॉय के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक गेट दिखाता हूँ, अगर मैं हम गेट कर देते हैं तो क्या होगा, इस वाले पर देखते हैं पहले, इसी वाले को गेट करके देखते हैं, ठीक है। पहले कोई तो फर्स्ट वाले को मैं बनाता हूँ HTTP गेट, ठीक है। और यहाँ पे इसको बना देते हैं बटन। तो अब चला के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और एक बार मैं यहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट भी लगा लेता हूँ, डेट डालते हैं, तो पहली तो बात आप देखोगे अगर आपको सबमिट बटन यूज़ नहीं किया हुआ है तो आपका डेटा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अब इसको चलो इसको फिर से सबमिट बना देते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा था, अगर आपको लग रहा होगा कि हम केवल सबमिट का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। सबमिट का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर आपको अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी टाइप सबमिट्स के मतलब होते हैं कि वो सबमिट करना है आपको फॉर्म को, ठीक है। तो जो दिया हुआ आपका URL है ऊपर, उस पे ये बटन सबमिट कर देता है, तो आपको सबमिट फॉर्म ही यूज़ सबमिट बटन ही यूज़ करना है पहली चीज़। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ और इसमें जो सीखने को मिलता है। अब इसके अंदर फिर से डेटा डालते हैं, ठीक है। अब क्लिक करते हैं इसके ऊपर, अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ, 404 ये क्यों आया, क्योंकि ये हमारा क्या है पोस्ट टाइप का है। तो इसको ऐसा कोई भी एक्स मेथड नहीं मिला जो गेट टाइप का हो, क्योंकि हमने वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डाल रखी है इस बार, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे आपको पता लगता है कि हमें HTTP अपनी वर्ब्स का यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं करोगे तो डेटा आपका यहाँ पे पोस्ट टाइप ही आएगा, सॉरी, अगर आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ करोगे तो पोस्ट टाइप ही आएगा, अगर आप यहाँ पे गेट वाला यूज़ करोगे तो केवल डेटा गेट वाला ही आएगा, ये गेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ये पोस्ट टाइप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने फोकस किया होगा, डेटा हमारे कहाँ पे दिख रहा है, हमें URL के अंदर दिख रहा है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था HTTP वर्ब्स के बारे में, जब हम अपनी गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा पूरा URL के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पूरा डेटा दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट नेम क्या है मेरा, लास्ट नेम क्या है मेरा, ठीक है। बट अगर आप पोस्ट का यूज़ करते हो तो डेटा आपका बॉडी में ट्रैवल करता है, वहाँ पे आपने देखा होगा आपको URL के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गेट के अंदर और पोस्ट के अंदर। तो अगर आपको डेटा अपने URL के अंदर दिखाना है तो आप गेट का यूज़ भी कर सकते हो, जनरली ये नहीं करना चाहिए। मैंने अपनों आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि हमें गेट का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ आपको हमें पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गेट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हम गेट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल पोस्ट ही क्यों बना दिया,
ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ होता है। अगर आपको इसको एक्सेप्ट भी करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको गेट टाइप बना दीजिए और बस सेम ऐसे पैरामीटर, क्योंकि ये आपके सिंपल पैरामीटर्स हो जाएंगे और इन्हीं पैरामीटर्स को मैंने ये की है, ये इसके अंदर फर्स्ट नेम के अंदर मैप हो जाएगा, लास्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर मैप हो जाएगा और आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। एक होता है यूजिंग जेएस, तो यूजिंग जेएस मतलब यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर हो तो मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में सबके अलग अलग अपने तरीके होते हैं। जैसे अगर आपने एंगुलर यूज़ किया है तो उसका अलग तरीका होता है, और नोकआउट का अलग तरीका होता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का अलग तरीका होता है, जेक्वेरी का अलग तरीका होता है। देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ तो अगर आपको आप चाहते हो कि आप अपने व्यू के ऊपर से डेटा को यूजिंग जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर के ऊपर भेजना है तो आपको अपनी जो एजेक्स कॉल है वो लगानी है। एजेक्स कॉल के अंदर वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले होता है आपका यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल आप कौन सा यूज़ करोगे, अपना कंट्रोलर का नेम और स्लैश आपके एक्स मेथड का नेम। अगर आपने राउटिंग कर रखी है तो राउटिंग आप उसके अंदर वो वाला यूआरएल यूज़ कर सकते हो। फिर आपको टाइप बताना होता है कि आपकी रिक्वेस्ट गेट टाइप है, पोस्ट टाइप है। आप वहाँ पर मैंसन कर दोगे कि रिक्वेस्ट मेरी पोस्ट टाइप है, जो अभी आपने बनाई हुई गेट या पोस्ट। उसके बाद में जब आप सबमिट करोगे आप देखोगे आप वहाँ पे डीबग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप डीबग नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोलर लेवल पे अगर चाहते हो डीबग लाग हिट करोगे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक वो भी तरीका है, बट ये वो मैंने क्यों नहीं करके दिखाया अभी, बिकॉज वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी टाइप बन जाता है। बिकॉज हम केवल अभी केवल एमवी से फोकस कर रहे हैं, मैं इसको आपको जावास्क्रिप्ट नहीं सिखा रहा हूँ। बट अगर आप पहले से जानते हो आप उसमें एजेक्स भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने व्यू के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाइए, वहाँ पर अपना एजेक्स फॉर्म लगाइए, सब कुछ एजेक्स के अंदर यूआरएल डालना है, आपको मेथड का टाइप बताना है और रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप डेटा को अपने व्यू से कंट्रोलर के ऊपर भेज सकते हो। तो लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और देखते रहिए मेरे साथ में एमबीसी की वीडियोस। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छा सा लेके आएंगे। तो अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ बताना है मुझे, कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे ईमेल जरूर कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।